2017 से हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। एपिस मेलिफेरा जात की मधुमक्खी के बीबक से है। 10 से 15 हज़ार मधुमक्खियाँ रहती है। मुझे तो काफी डर लग रहा है यार। जो काटेगी तो अच्छा ही होता है। तो इसमें मधुमक्खियाँ जो है और कितनी ब्रीड की हैं? हनी फिलिंग मशीन देख सकते हैं। हर एक बैच हम लैब में टेस्ट करके ही बाद में इधर फिलिंग करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल हनी रहेगा ना, तो इसमें हनी डालेंगे तो बॉटल में नीचे जाएगा। ठीक है, ये मिक्स नहीं होता पानी में। दोस्तों, शहद कैसे बनता है और वो शहद आप तक कैसे आता है और ये शहद का हम एक फार्मिंग एज ए एग्री बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो भी चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम सतीश रके, मेरा एग्री डिप्लोमा में एजुकेशन हुआ था और 2017 में हमने खादी ग्रामोद्योग पूना CBRT में हमने ट्रेनिंग लिया था। वहाँ से हमने मधुमक्खी पालन की जानकारी ली और इस बिजनेस में हम आ गए। सर, आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक करपे, हम दोनों पार्टनर है। 2017 से हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर एपिस मेलिफेरा जात की मधुमक्खी के बीबक से है और हमने CBRT से 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स लिया था। उसके बाद हम 3 साल से सक्सेसफुली बी कीपिंग का बिजनेस कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ पेटियाँ वगैरह रखी हैं, तो सबसे पहले तो मैं जो है मधुमक्खियाँ देखना चाहूँगा क्योंकि मैंने ऐसे नहीं देखा है कभी, तो वो दिखाइए पहले, फिर हम मेन बात करते हैं। तो ये पेटी है मेन। हाँ, जैसे ये बी बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये मधुमक्खी का आने जाने का मेन गेट है। और जैसे सुबह होती है मधुमक्खियाँ पोलन और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए बाहर जाती है। अच्छा अच्छा, पहले तो ये इसकी जानकारी हम पेटी लेते हैं। पेटी पूरा ही बनी हुई है। हाँ, पेटी है, पूरा 8 फ्रेम का भी बॉक्स है जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक बक्से में 8-9 फ्रेम रहते हैं और मैं एक फ्रेम बाहर निकल रहा हूँ। इसकी मक्खियाँ काटेंगी तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाह, बहुत ही मस्त। ये देखिए, ये यहीं पे पूरा शहद बनाती है मक्खियाँ। यस राइट। डर लग रहा है, काटेगी तो नहीं ना? नहीं काटेगी। ओके ओके। माल पे मधुमक्खी है। अच्छा, मुझे तो काफी डर लग रहा है यार। जो काटेगी तो अच्छा ही होता है। अच्छा, सेहत के लिए, रोग इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बढ़ जाती है। अच्छा, ये देखिए, इसी में शहद बनता है, इसी के ऊपर छत्ता छत्ता। हाँ, ये देखिए, कुछ स्लाइड हेक्सागोन बन किया हुआ है, उसमें शहद है अभी। ठीक है, ओके ओके, डिटेल में इसकी जानकारी हम आगे लेते हैं। चलिए ठीक है, ओके, तो इसी को हम इसी में डालते हैं प्लेट को। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने पेटी खोल के देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सतीश जी को हल्का सा यहाँ पे एक मक्खी ने काट भी लिया, उसके ऊपर शहद लगा रहे हैं। मधुपालन एक्चुअली क्या होता है? ओके, मधुमक्खी का पालन आप देख रहे हैं, ये एपिस मेलिफेरा जात की माछी है। इस बी बॉक्स में ऐसे 8 फ्रेम रहते हैं जिसमें आप देख रहे हैं 8 पोले लगे हुए हैं, जिसमें एक रहते रानी मधुमक्खी रहती है, एक नर मधुमक्खी रहती है और बाकी की कामगार मधुमक्खियाँ रहती है। जो रानी मधुमक्खी रहती है वो कंटिन्यूसली उस हेक्सागोन में अपने अंडे देने का काम करती है और जो नर मधुमक्खी रहती है उसका काम सिर्फ उसके साथ मिलन करना होता है और जो कामगार मधुमक्खी रहती है वो बाहर जाके शहद गोला करती है। और जैसे आप देख रहे हैं अभी मधुमक्खी ने डंक किया, वो क्या करती है, अपने बीहाइव्स का प्रोटेक्शन करने का काम वो वर्कर मधुमक्खी करती है और शहद कलेक्ट करने का काम करती है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, इधर वाटर सोर्स है, मधुमक्खी को ऐसा वाटर सोर्स पास में होना जरूरी है। मधुमक्खी को क्या रहता है कि पोलन और नेक्टर कलेक्ट करना रहता है। जैसे आप देख रहे हैं आजू बाजू में एक मधुमक्खी की रेंज रहती है 2 किलोमीटर तक जाके ये शहद कलेक्ट जो करने आपने के। ये वैरायटी बताई, ये ब्रीड की यही ये 2 किलोमीटर तक जा सकती है। ये 2 किलोमीटर तक जाती है और जितना उसके रेडियस में फ्लोरा है वो कलेक्ट करती है। और नेक्टर और पोलन क्या होता है जो आपने बताया? जैसे क्या रहता है, शहद बनता है 2 चीजों से, पोलन और नेक्टर। जैसे आप देखेंगे मधुमक्खी पोलन और नेक्टर कलेक्ट करती है, उसमें उसका मुंह का एक एंजाइम रहता है वो मिक्स करती है, उसके बाद शहद बनता है।
जैसे मतलब आप नेक्टर और पोलन वो फसल से लेके आते हैं, राइट? कौन कौन से फसल से लेके आते हैं? जैसे सनफ्लावर हो गया, अजवाइन हो गया, लीची हो गया, इससे उन्हें अच्छा नेक्टर मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है नेक्टर और पोलन? नेक्टर जैसे देखिए कौन सी फसल है उस पर डिपेंड है। जैसे अभी नवंबर से अप्रैल एंड तक हनी का अच्छा सीजन रहता है। उसमें क्या होता है कि नेचुरली फ्लोरिंग जैसा अच्छा रहता है। जैसे आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के फूल रहते हैं। जैसे आप इधर महाबलेश्वर में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के फूल रहते हैं, तो मधुमक्खी को अलग अलग टाइप का फ्लोरा से हनी मिलता है, उसे हम मल्टीफ्लोरर हनी कहते हैं। जैसे अभी देखिए समझो इधर सनफ्लावर का खेती है, सनफ्लावर से मधुमक्खी हनी कलेक्ट करेंगी तो उसका सनफ्लावर का पोलन और नेक्टर उसका अरोमा उस शहद में आ जाता है, उसे हम सनफ्लावर का हनी कहते हैं। टेस्ट आती है वैसे। टेस्ट आते हैं वैसा। अच्छा। वैसे अजवाइन हनी रहता है, लीची हनी रहता है, जामुन हनी रहता है, और हर एक शहद का अलग अलग बेनिफिट रहता है। अच्छा, तो ये नेक्टर और पोलन लेके आते हैं, तो इसमें मधुमक्खियाँ जो है और कितनी ब्रीड की हैं? जैसे आपने एक एपिस मेलिफेरा है और दूसरी सातेरी मधुमक्खी रहती है। सातेरी मधुमक्खी इससे थोड़ा छोटे रहते हैं और उसकी बी बॉक्स की रचना भी इससे जरा अलग रहती है, तो सिर्फ फॉरेस्ट में काम करते हैं। अगर आपको ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी शेतकरी भाइयों के लिए बेस्ट है सबसे। मतलब एक चीज़ ऐसा देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल मधुमक्खी पालन हो गया, मतलब हम खुद से जो है पेटी लगा के उसमें मधुमक्खियाँ पाल रहे हैं। नहीं, इसे आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। सर हम इसे क्या कर रहे हैं, जो बाहर जो मधुमक्खी का छत्ता लगता है ना, उससे हम उसको क्या करते हैं कि उसको सिर्फ हम एडप्टेशन देते हैं इसके लिए, और इसमें पूरा नेचुरल प्रोसेस रहता है। जैसे इसमें रानी मधुमक्खी हो गई, वर्कर मधुमक्खी हो गई, ये पूरा नेचुरल है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ये बी बॉक्स में हम सिर्फ एक एकोमोडेशन देते हैं। अच्छा, ये कहाँ कौन कौन से वातावरण में हम लोग कर सकते हैं मधुमक्खी पालन? मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा ही वातावरण बेस्ट है? सिर्फ बारिश के दिनों में मधुमक्खियाँ काम नहीं करती, शहद कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिनों में फ्लोरा भी कम रहता है और बारिश के वजह से वो इस बी बॉक्स से बाहर नहीं निकलती। जैसे अभी धूप, जैसे आप देख रहे हैं अभी धूप जैसे निकलेंगी, मधुमक्खियाँ वर्क करना चालू कर देंगी, बाहर आ जाएंगी, और शाम को जैसे अंधेरा हो जाता है तो मधुमक्खी फिर बी बॉक्स में अंदर जाती है। अच्छा, ये तो इंडिया में कहाँ कहाँ के रीजन में हमारे फार्मर्स ये मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, बी कीपिंग? जैसे देखिए आपको सीजनल मधुमक्खी पालन करना है तो आप अपने रीजन में कर सकते हैं। आपको नवंबर से लेकर अप्रैल तक हनी मिल जाएगा, वो बाकी के सीजन में आपको सिर्फ मधुमक्खियों को जिंदा रखना है। जैसे देखिए नॉर्थ इंडिया में अच्छी तरह से होता है, तो उधर फ्लोरिंग अच्छे रहते हैं। महाराष्ट्र में आप विदर्भ में देखेंगे उधर अच्छा फ्लोरिंग रहता है। उधर जैसे अजवाइन हो गया, कापूस हो गया, सरसों हो गया, वो खेती रहती है, तो अच्छा मिलता है, तो उधर आपको यील्ड भी अच्छे मिलेंगे। आप इधर सातारा महाबलेश्वर में भी अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, उधर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब खेती जो है फूलों वाली जहाँ पे ज्यादा हो या पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में वगैरह दिक्कत आएगी, वहाँ पे गन्ना वगैरह ज्यादा है। जहाँ गन्ना होता है जैसे आले रहता है, उधर क्या रहता है पेस्टिसाइड फवारनी ज्यादा रहती है, तो मधुमक्खियाँ थोड़ी उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और पेस्टिसाइड से मर भी सकती है। पेस्टिसाइड से मर जाती है मधुमक्खी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आप जहाँ पेस्टिसाइड का यूज होता है वहाँ बी बॉक्स नहीं रखना चाहिए, उससे मधुमक्खियाँ की इसमें बी बॉक्स में आप देखेंगे तो उसके मधुमक्खियाँ कम हो जाती है उसमें से। तो मैं एक फार्मर हूँ तो वो लेके जा रहा हूँ, तो शुरुआत में अभी मुझे आप क्या करिए, हम लोग ये थोड़ा सा पहन के थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ऐसे पेटी इसको हम ऐसे ग्रो करेंगे, तो एज अ फार्मर ऐसे ऐसे वो ग्रो कर सकता है, तो वो बताइए। हम एक बी बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ, आप सेफ्टी के लिए ये पहन लीजिए। अच्छा, ये वाला पहन लेता हूँ, दे दीजिए। ओके, ये जो ये मधुमक्खी का आने जाने का गेट रहता है, उसके सामने ज्यादा से हम ये पेटी मैंने अपने खेत पे ले गया, तो खेत के पास में ऐसे इसको रखना है हाइट पे। हाँ, राइट, ऐसे उस पे एक कपड़ा रहता है क्योंकि ठंडी में वगैरह अच्छा रहता है उसके लिए, ठंड नहीं लगना चाहिए। हाँ, ठंड, ये देखिए ये ऐसे 8 फ्रेम्स है। अच्छा, अभी कुछ मधुमक्खियाँ इसमें से बाहर गई है। हाँ, जैसे सुबह धूप निकलती है ना, जो वर्कर मधुमक्खी है ना, वो पोलन और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए बाहर जाती है। लगभग कितनी मक्खियाँ होती है जो कि मतलब काम करे, आधी होती है इसमें? हाँ, जैसे 70% जैसे वर्कर मधुमक्खियाँ रहती है और 30% यहाँ पे वो क्या करती है? ये देखिए
इस पर अभी इस प्रेम पे थोड़ी मधुमक्खियाँ। इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ती है इसमें वो बताइए थोड़ा। जैसे क्या रहता है कि इसमें एक क्वीन भी रहती है, हाँ। वो कंटिन्यूस वो फर्टाइल एग्ज उसमें हेक्सागोन ग्रूव्स में डेली उसका प्रोडक्शन चालू रहता है, तो वो क्या करती है वर्कर मधुमक्खी की प्रोडक्शन डेली चालू रहता है उसमें से। तो वो अंडे डालती रहती है क्वीन। हाँ, क्वीन अंडे डालती रहती है, हाँ। और वो वर्कर मधुमक्खी के प्रोडक्शन डेली चालू रहता है उसमें से, और अच्छा। एक बी बॉक्स में एक ही क्वीन भी रहती है। अच्छा, एक ही क्वीन अंडे डालती रहती है। नहीं, एक बी बॉक्स में एक ही क्वीन भी रहती है। अच्छा, क्वीन एक ही रहती है। हाँ, एक क्वीन भी एक ही रहती है। फिर जनसंख्या इनकी कितनी तेजी से बढ़ती है वो एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा आराम से। हाँ, इसमें काफी है, ये देखिए आप, छत्ता इसी में बनाती है ये लोग। ये देखिए, ये छत्ता बना है। हाँ, ये पूरा वर्कर मधुमक्खी है। ये कितने दिन में छत्ता बनता है? ये पूरा पहले ही बनाए रहता है। अच्छा। हाँ, और जो जैसे शहद निकालते हैं ना हम, इसमें ये छत्ता डैमेज नहीं करते। अच्छा। आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी स्क्रू में पूरी तरह से काम कर रही है। ओ। इसमें एक रानी मधुमक्खी है और बाकी ये वर्कर मधुमक्खियाँ बाजू में काम कर रही है। वो क्या कर रही है काम यहाँ पे? ये देखिए, मतलब एग्जैक्ट काम क्या करती है वो यहाँ पे? मधु शहद तैयार करती है क्या? ये ना, इसमें शहद जमा करती है। ये जैसे हेक्सागोनल ऐसे ग्रू है ना, इसमें शहद जमा करने का काम कर रही है। अच्छा, ये वाली मक्खी? हाँ, ये मधुमक्खी है। ओके, ठीक है, रख दीजिए आराम से। बहुत ही आराम से रखना पड़ता है ना इसे? यस, हाँ, जैसे हम मधुमक्खी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आराम से, इधर से, इधर से, राइट से आ रहा है ऊपर। हाँ हाँ, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये बात तो है, नहीं तो सतीश जी को काट लिया। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आराम से इसको रखेंगे क्योंकि शहद लेना है काफी इससे। तो हमने पेटी देखी, छत्ता देखा, उसमें आपने क्वीन बताई वो देखी कैसे हो रहा है। तो बताइए, 4,500-5,000 के आसपास आपने कहा कि ये पेटी आती है हमारे एक फार्मर, अगर उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, लेके जाते हैं कैसे, पूरा एक साल का लाइफ साइकिल कैसे रहेगा वहाँ पे? यस, डेफिनेटली। जैसे मैं अभी एम टी बी बॉक्स को समझाता हूँ। हाँ। जैसे एक बी बॉक्स है आपके पास और दूसरा मैंने एम टी बी बॉक्स लाया रखा। जैसे मैंने आपको उस छत्ता दिखाया। हाँ। वो लार्वा का छत्ता था। हाँ। जैसे एक छत्ता निकाल के एम टी बी बॉक्स में रखना है, उसमें क्या होता है कि मधुमक्खियों को पता चलता है कि उसमें हमारे वसाहत में रानी मधुमक्खी नहीं है। अच्छा। तो वो उसका फर्टाइल एग्ज उसमें दे देती है और उसमें 15 दिन में उसमें नई रानी मधुमक्खी तैयार हो जाती है। तो नई रानी मधुमक्खी तैयार होने के बाद वो अलग वसाहत तैयार हो जाती है। तो अगले 15 दिन में उसमें पूरा छत्ता बन जाएगा और 30 दिन के बाद जैसे ए बी बॉक्स है वैसा दूसरा पूरा बी बॉक्स तैयार हो जाएगा आपका। 30 दिन में हम एक और बना सकते हैं, एक और बी बॉक्स बना सकते हैं उसमें। और हम एक बी बॉक्स में कितने दिन बाद हम शहद निकालना स्टार्ट करेंगे अक्टूबर के बाद? जैसे देखिए, एक बी बॉक्स में पूरे छत्ते जैसे रेडी हो गए, तो जैसे आपका फ्लावरिंग का सीजन है और नवंबर दिसंबर, तो आप अच्छा फ्लावरिंग रहेगा ना, तो हफ्ते में आप एक बार एग्जामिन करके निकाल सकते हैं पूरा शहद। अच्छा, हफ्ते में एक बार शहद निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। अगर अच्छा फ्लावरिंग रहेगा तो हफ्ते में आप निकाल सकते हैं। उसमें छत्ता उत्ता खराब नहीं होगा? नहीं, जैसे आपको मैंने दिखाया उसमें क्या रहता है, छत्ते पे वो पूरा मधुमक्खियाँ सील करती है। उसके बाद वो सिर्फ छत्ते का वो सील किया है, वो हम स्लाइंट कट निकालते हैं और रोटेटिंग मशीन में डाल के शहद निकालते हैं, छत्ता नहीं डैमेज करते। ओके, वो आगे देखेंगे मशीन। हाँ, मशीन में आप दिखाता हूँ मैं। मतलब आपका कहना है अक्टूबर के बाद हर 10-15 दिन में, 10 दिन में मान लीजिए, हाँ, हम उस शहद निकालते रहेंगे। हाँ, 10 दिन, कभी कभी क्या रहता है, फ्लोरा पे डिपेंड रहता है, 10 दिन आपका 15 दिन फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एक महीना भी जा सकता है, ऐसा है। आपके पास कौन सा नेक्टर उस आजू बाजू में, फ्लोर पोलन और नेक्टर कैसा अवेलेबल है, उस पर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि हम जब मधुमक्खी पालन करते हैं, मुझे भी समझ में आ गया अभी, हम अपने खेत में, तो उसमें एक मेजर फायदा यह होता है कि हमारे फसल में क्रॉस पोलिनेशन हो के हमारे फसल का उत्पादन बढ़ता है, बात नंबर एक। दूसरी बात यह कि हम अगर एक पेटी ले जाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके 2-3 बना सकते हैं। अक्टूबर के बाद हम मार्च अप्रैल तक दोस्तों उसका शहद निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें जब बरसात चालू होती है तो उसको फीडिंग करके मेंटेन रखना है। ओके, तो अब मैं भी समझ गया, हमारे फार्मर्स भी समझ गए। तो अब हम ये मेन बात पे जाते हैं कि इसको हम आपका जो यूनिट है वहाँ पे चलते हैं कि यहाँ से कैसे वो निकलता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, फिर आगे। यस, तो चलिए चलिए सर, हम ये बताइए कि हमने तो देखा अभी जो पेटियाँ रखी थी वहाँ पे, राइट, लेकिन उसकी उम्र कितनी होती है जो मक्खियाँ उसमें होती है? देखिए, मधुमक्खी जो रहती है उसमें, जो रानी मधुमक्खी है, उसके लाइफ साइकिल रहता है 2-3 साल का, और जो वर्कर मधुमक्खी रहती है उसका लाइफ साइकिल रहता है 2-3 मंथ का।
जैसे वर्कर मधुमक्खी है ना, डेली नई प्रोड्यूस होती है और उनकी डेथ भी होती रहती है, क्योंकि जैसे कुछ किसी को डंक मारा तो वो मधुमक्खी डेथ हो जाती है। रानी मधुमक्खी जो है ना, उसका लाइफ साइकिल 2 से 3 साल रहती है, वो कंटिन्यूसली 1000s अंडे उधर उसके बी बॉक्स में देती रहती है। जब तक रानी मधुमक्खी हेल्दी है तब तक वो बी बॉक्स की लाइफ अच्छी रहती है। जैसे रानी मधुमक्खी की लाइफ ख़त्म होने का होती है, वैसे जो एक वर्कर मधुमक्खी है एक दूसरा अंडा देती है और उसमें फिर एक बार नई रानी मधुमक्खी तैयार हो जाती है। अच्छा, तो जैसे समझो अभी ओल्ड वाली एक रानी मधुमक्खी है और नई वाली पैदा हो रही है, तो एट द एंड उन दोनों में एक बार फाइट हो जाती है और जो वीक है वो डेथ हो जाती है और जो स्ट्रांग है वो बच जाती है। तो ऑलवेज एक रानी मधुमक्खी उस बी बॉक्स में रहती है पूरे बॉक्स। हाँ, यानी वो लाइफ साइकिल एक कंटिन्यू चालू रहता है मधुमक्खी का। ऐसा कोई जब तक हम ह्यूमन इंटरफेरेंस से कुछ उसमें हो जाता है ना, तब तक उसका कोई लाइफ साइकिल में कोई चेंज नहीं आता। मधुमक्खियाँ तैयार होती रहती है, रानी मधुमक्खी भी तैयार होती है। बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम देखते हैं पैकेजिंग में आप कैसे पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं। चलेंगे सर। तो अब हमें ये बताइए कि खेत से कैसे निकलता है और यहाँ पैकेजिंग कैसे करते हैं, डिटेल में थोड़ा सा। यस, जैसे खेत में आपने देखा जो छत्ते रहते हैं उसमें से रोटेटिंग मशीन से शहद निकाल के हम ऐसे फूड ग्रेड कंटेनर में उसे स्टोर करते हैं। जैसे अलग अलग फ्लेवर हो गए, जैसे तुलसी है, अजवाइन है, जामुन है, वैसे अलग अलग कंटेनर में अलग अलग फ्लेवर का हनी रहता है। आप इस पैकेजिंग यूनिट में देख सकते हैं, इधर हमारा पूरा हनी का स्टोरेज है। उसके बाजू में जो फूड ग्रेड ग्लास बॉटल है उसका है और बाजू में पैकेजिंग मटेरियल है इधर। और आप ये हनी फिलिंग मशीन देख सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि हम जो खेत से जो छत्ता निकाल के आता है वो इसमें कैसे यहाँ तक आता है, थोड़ा वो बताइए। देखिए, खेत में जो छत्ता निकलता है ना, उसमें से हम सिर्फ उस पर स्लैंट कट लगा के जो रोटेटिंग ड्रम रहता है उसमें हम फ्रेम डालते हैं और ये रोटेट करते हैं। उससे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से हनी उसमें ड्रम में जमा होता है, उस ड्रम में से हम इस ड्रम में हनी कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद उसमें पूरा हाइजीनिक तरीके से इधर ये पूरा सेटअप SS304 मेटल में बनाया है एज़ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये आप मशीन देख सकते हैं, ये पूरा हनी फिलिंग मशीन है जिसमें 50 ग्राम से लेके 1 kg तक स्टेप्स है, जिसमें पूरा ह्यूमन टच फ्री हनी फिल किया जाता है। और जैसे प्रोडक्शन लाइन में आप आगे देख सकते हैं, जैसे फिल के हुआ ये बॉटल्स है, 500 ग्राम्स के बॉटल है, ये पूरा तरह से फूड ग्रेड ग्लास बॉटल्स है। हाँ, ये बॉटल है, पूरे फूड ग्रेड ग्लास बॉटल है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसे उसमें इस मशीन से पूरा हनी फिल किया जाता है, यहाँ से इस पाइप से सीधा इसमें फिल किया जाता है। फिल के बाद आगे आता है, आगे आता है इधर, पहले बॉटल ऐसे पूरा हाइजेनिक स्टराइल करके लिया जाता है। और आगे देख सकते हैं आप, बॉटल को ये फॉइल लगाया जा रहा है, उससे पूरा पैकिंग सील रहता है ये। और आगे इधर बॉटल का स्टिकरिंग हो रहा है, आप जैसे देख सकते हैं ब्रांडिंग हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ब्रांडिंग हो रहा है, ये देखिए आप। इस बॉटल में हर एक बॉटल में उसका डेट ऑफ पैकेजिंग रहता है, MRP रहती है, नेट वेट रहता है और इधर पूरा मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी कितने कितने ग्राम की बॉटल है? अभी ये फिलहाल इधर 250 ग्राम और 500 ग्राम की बॉटल पैकेजिंग हो रही है। और ये जो पूरा डाटा है, जैसे बैच नंबर आपने देखा, उसमें जो पर्टिकुलर बैच नंबर रहता है उसके सारे हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट और प्योरिटी के सब रिपोर्ट रहते हैं। हर एक बैच हम लैब में टेस्ट करके ही बाद में इधर फिलिंग करते हैं ऐसा। ओके, तो इस तरीके से हमारा पैकेजिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ तक पूरा खत्म पूरा। और इधर देखिए आप, ऐसे बॉक्स रहते हैं उसमें पूरा, एक देखिए ऐसे बॉक्स में पार्टीशन रहता है, जैसे आप देखिए बॉटल उसमें पूरा सेप रहता है। हर एक बॉटल के लिए अलग अलग बॉक्स है, जैसे 500 ग्राम का हो गया, 250 ग्राम का हो गया। अच्छा, इस तरीके से हम पूरा इस तरीके बॉक्स से जाता है। ये फाइनल पैकेजिंग इधर ऐसा हो जाता है, आप देख सकते हैं ऐसा। ये पूरा इसमें 250 ग्राम का बक्सा रहता है, इसमें 40 बॉटल रहती है और ये मार्केट में सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिस्पैच की जाती है बॉटल्स। दोस्तों, अहम बात जो होती है वो मार्केटिंग की। हम लोग जो है प्रोड्यूस ला सकते हैं, हनी भी पाल सकते हैं, शहद निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा मार्केटिंग करना वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो हम देखते हैं। तो सर, आप ये जो हनी कीपिंग करते हैं इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? देखिए, जब से हमने मधुमक्खी का पालन स्टार्ट किया उसके बाद हमें एक अहम मुद्दा लगा कि मार्केटिंग करना अच्छा है। अगर शेतकरी भाइयों के भी इसके बारे में
अगर आप शहद प्रोड्यूस करते हैं तो जो एंड कंज्यूमर है उसके उसके तरफ उसका ओरिजिनल मध जाना गरजेचा है उसके साथ। शहद ओरिजिनल जाना चाहिए। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा मधुपुष्प का ये हनी पार्लर है। यहाँ पूरा आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पूरा हनी कॉम में है, छत्ता के टाइप में। और हर एक बॉटल का आप देखिए स्टिकरिंग देखिए अलग अलग तरीके से है, जैसे तुलसी हो गया, जैसे नीम हो गया, हर एक को हम उसके फ्लोरा के हिसाब से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ हनी नहीं, हनी के साथ हम अदर बाय प्रोडक्ट जैसे ये देखिए है हनी चवन प्रश हो गया, जैसे हनी चॉकलेट हो गया, हर गुलकंद चॉकलेट हो गया, वैसे बाय प्रोडक्ट पूरा नेचुरल तरीके से हम बनाते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लोगों के लाइफ साइकिल में हेल्थ इशू आ रहे हैं बहुत, जैसे हम प्रोसेस शुगर खाते हैं ना तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उससे हम नेचुरल शहद जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए वो कस्टमर तक ओरिजिनल शहद भी जाना इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे मधुपुष्प हनी से जो हमारे 4 से 5 टाइप के हनी है, जैसे तुलसी हनी हुआ, अजवाइन हनी, जामुन हनी, हमारे खुद के ऐसे 5 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है और कुछ सेल्स काउंटर है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो ऐसे अलग अलग वे से हम कस्टमर तक हमारा हनी पहुंचाते हैं और कस्टमर पे अच्छा भी लगता है, वो हमारे फीडबैक भी अच्छा देते हैं और कस्टमर का रिपीट ऑर्डर भी अच्छी तरीके से रहता है। तो इतने सारे फ्लेवर हैं, मुझे थोड़ा फ्लेवर भी टेस्ट करके दिखाइए। जैसे ये तुलसी है, तुलसी दिखाइए। आप पहले मल्टी फ्लेवर फॉरेस्ट हनी टेस्ट कीजिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे कस्टमर जैसे आउटलेट में आता है हमारे मधुपुष्प के, पहले हम उसको टेस्ट के लिए हनी देते हैं। आप पहले टेस्ट कीजिए और खुद डिफाइन कीजिए कैसा लग रहा है आपको। अब ये दूसरा तुलसी हनी देखिए। ये कौन सा था, मल्टी? ये फॉरेस्ट हनी था। अच्छा, फॉरेस्ट तुलसी हनी। जी हाँ, इसमें तो तुलसी की टेस्ट आ रही है। लेकिन एक चीज बताइए कि ये टेस्ट भी समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन ओरिजिनल हनी ये कैसे पहचाना जाता है, वो थोड़ा सा बताइए। ये बॉटल है, इसमें पानी है, ठीक है। ओरिजिनल हनी रहेगा ना तो इसमें हनी डालेंगे तो बॉटल में नीचे जाएगा, ठीक है, ये मिक्स नहीं होता पानी में। जैसा हनी इसमें डालेंगे तो नीचे जाएगा, है ना, फटाक से नीचे जा रहा है ना, ये देख रहा होगा आपको लाइन, तो पूरे छोटे थ्रेड से वो भी पूरे नीचे जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ एडेड रहता तो वो स्प्लिट हो जाता पानी में, लेकिन ये नहीं, पूरा हनी को डेंसिटी है, पूरा एज इट इज नीचे जा रहा है। मतलब इससे हम पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल हनी है। ओरिजिनल हनी है, देखिए नीचे हनी सब जमा हुआ है। बहुत सटीक, बहुत सटीक, मतलब परफेक्ट। हमें इसमें कुछ शुगर कंटेंट वगैरह होता तो पानी में जल्दी मिक्स हो जाता हो। ये देखिए, ये अभी नीचे है, पूरा का पूरा नीचे बैठ गया, जम गया है पूरा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था जो कि हमने अभी कवर कर लिया। जैसे आप देखिए पेपर पे भी हनी डालेंगे ना तो पूरा एज इट इज रहता है स्फेरिकल। ये अभी पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं हनी डाल रहा हूँ, इसके ऊपर वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट रहेगा तो जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। जी जी जी, ये देखिए डार्क है, एकदम डार्क है एकदम, ये देखें। जी जी जी, बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़। मुझे भी समझ में आई कि कैसे पहचानना है एग्जैक्ट सही चीज़ और गलत चीज़ का फ़र्क समझ में आ गया। तो बताइए इसका फ्यूचर क्या है? देखिए हनी एक ऐसा है, नेचुरल फूड है। और अभी जैसे आप पैंडेमिक सिचुएशन देख रहे हैं, लोगों के हेल्थ इश्यू देख रहे हैं, लेकिन जैसे नेचुरल खाने की टेंडेंसी बढ़ रही है लोगों की। और जैसे हनी जैसे है ना, आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए चलता है और आयुर्वेद में हनी का महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है कि लोगों तक एंड कस्टमर तक ओरिजिनल हनी नहीं मिलता था। लेकिन हम ऐसे मधुमक्खी पालन करके जब तक ओरिजिनल शहद कस्टमर तक पहुँचाएंगे तो डिमांड है उसकी। जैसे आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। लेकिन इसके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि हनी के लिए, हनी सिर्फ हनी नहीं, इसके हनी के साथ बाय प्रोडक्ट भी अच्छे बनते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। और ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए अभी तो नेचुरल का आप देख रहे हैं ट्रेंड कैसा है ऑर्गेनिक। आप कैसे किलो बेच रही हैं? देखिए अलग अलग टाइप के हनी है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मल्टी फ्लोरर है, देखिए वो 1/2 kg है, आप ऊपर 1 kg की बॉटल देख रहे हैं। जो 1 kg है 590 का है, 1/2 kg 310 का है। और जो सीजनल हनी रहते हैं जैसे तुलसी हो गया, ये तुलसी है, ये 470 का है, ये 470 का आधा किलो। हाँ, 470 का। ये सब प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मधुपुष्प.com पे जाके आप खरीद सकते हैं।
और कुछ हमने जहाँ जब से बी कीपिंग स्टार्ट किया है तब से कुछ ओल्ड हनीज भी रखी है, जैसे आप देख रहे हैं। ये देखिए 2017 से हनी रखा है और जितना पुराना हनी होता है उतना खाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है और डार्क हो जाता है, उसका कलर वगैरह सब थिकनेस और डार्क हो जाता है। डार्क काफी हो गया है। हाँ, ये देखिए ये 2017 मल्टी है और ये 2018 का अजवाइन हनी है। अच्छा, इसमें भी तार आएगी? हाँ आएगी ना, ये अभी डार्क हुआ है इसलिए थोड़ा कम दिखेगा। मैं लाइट जिसके दिखा रहा हूँ ये देखिए okay, ये काफी डार्क है, इधर से दिख रहा है, पूरा दिख रहा है मुझे, इधर से पूरा दिख रहा है। हाँ, अभी भी तार लगी हुई है इसमें, ऐसे तार कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये बात ही उससे भी हार्ड, ये काफी दिन तक हमने रखा है, अभी जो आपने दिखाया था उससे भी काफी ये हार्ड तार है। हाँ, पुराना शहद हो जाता है उसका मॉइस्चर भी कम हो जाता है और ऐसा वो पूरा डार्क हो जाता है। हनी जितना पुराना है उतना खाने के लिए प्रीमियम रहता है, हनी के लिए कोई एक्सपायरी नहीं है, आप ग्लास बॉटल में रखिए तो 1000 ईयर तक हनी चलता है। तो सर हमें ये बताइए कि आपका एक बिजनेस मॉडल कैसा है, आपके पास पेटे कितना है, शहद कितना निकलता है, कितना प्रॉफिट लॉस होता है? देखिए जब हमने स्टार्ट में चालू किया था तो हमारे 200 बी बॉक्स थे, हमने PMEGP का लोन करके 100 बी बॉक्स हमने दोनों ने लिए थे। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करके हमारे अभी 625 बी बॉक्स अभी तक हो चुके हैं। तो सीज़न के हिसाब से एक बी बॉक्स हमें 20 से 30 केजी का हानि देता है और अगर फ्लोरा अच्छा रहे तो हाईएस्ट 50 केजी के ऊपर भी जाता है, वो फ्लोरा पे डिपेंड रहता है। और जो हम मैंने अभी बी बॉक्स की जो कीमत बताई 5500 रुपये, वो सीज़न पे डिपेंड रहते हैं, जैसे आपके हनी के सीज़न में आएंगे तो वो बी बॉक्स आपको 6500 तक भी जाएगा, ऑफ सीज़न में आएंगे तो वो बी बॉक्स 5000 तक भी मिलेगा, तो प्राइजेस वेरी हो सकती है। और जैसे आपने प्रॉफिट लॉस का बताया तो अगर फ्लोरा अच्छा है तो कंटिन्यू हमारा अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, महीने का अभी 2-3 टन का हमारा तो यील्ड है और सेल का भी मार्केट हमने अच्छी तरह से सेट किया है। तो जैसे आप कस्टमर तक किस तरह से पहुंचते हैं उस पर सेल डिपेंड है। उस पर लगभग एक टन का मतलब हम लोग कितना हो जाएगा मटेरियल? देखिए ऑन एन एवरेज ईयरली हमारा 1 crore तक टर्नओवर जाता है सब ऑल प्रोडक्ट हनी का मिला के। कितने पेटियों में? अभी 600 बी बॉक्सेस में। 600 बी बॉक्स में 1 crore तक आपका टर्नओवर हो जाता है। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे कि क्रिस्टलाइजेशन का, उसका भी थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, जैसे देखिए कस्टमर का एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता है कि मैं अगर ये शहद का डिब्बा ले गया और फ्रिज में रखूँगा तो क्या हो जाएगा। जैसे हमने इधर भी देखा है कि प्योर हनी क्रिस्टलाइज नेचुरली, जो रॉ हनी रहता है उसकी टेंडेंसी होती है कि क्रिस्टलाइज होना, जैसे सर्दी का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो जो हनी का क्रिस्टलाइजेशन है वो फूलों पे डिपेंड रहता है। जैसे आपने सरसों का फूल रहेगा तो हनी ज़्यादा क्रिस्टल रहेगा, जामुन रहेगा, तुलसी रहेगा तो ज़्यादा क्रिस्टल रहता है। अगर किसी कस्टमर ने वो जाके फ्रिज में बॉटल रखी तो क्रिस्टल हो जाता है। क्रिस्टल नहीं, वो क्रिस्टल अलग रहता है। अच्छा। और शुगर अलग रहता है। क्रिस्टलाइजेशन ये नेचुरल प्रोसेस है हनी का। क्रिस्टलाइजेशन अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखिए तो वो क्रीम हनी के नाम से वो हनी कंज्यूम करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हनी। और ये नेचुरल फिनोमेनन, जैसे आप उसको क्रिस्टलाइज हनी को ना आप गर्म वाटर में रखेंगे तो ये पूरा एज इट इज हो जाता है। यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन भी वैसे दिया है कि कीप द कंटेनर इन वार्म वाटर टू लिक्विडिफाई। तो एक्चुअली क्या है कि कस्टमर के लिए ये जानना जरूरी है कि क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना अलग है और शुगर कंटेंट जमा होना वो अलग है। शुगर रहेंगी तो वो फिर एज इट इज़ नहीं होता, क्रिस्टलाइजेशन है ना, आप गर्म पानी में रखेंगे, धूप में रखेंगे, पूरा मेल्ट होके एज इट इज़ हो जाता है, इसे के रॉ हनी बोलते हैं। इसा अगर आप ये पाश्चराइज हनी रहता है, फिल्टर हनी रहता है, वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, जो मिक्सिंग वाला रहता है। हाँ, क्रिस्टलाइज नहीं होते क्योंकि उसमें से क्या पूरा वो पोलन काउंट निकाला हुआ रहता है, वो हीट किया रहता है 100 degrees को, तो उसमें कुछ उसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट नहीं रहते, तो ये बात जरूरी है कस्टमर के लिए। दोस्तों आज हमें ना प्रतीक जी ने और सतीश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मधुमक्खी पालन की इन्फॉर्मेशन दी। आज हमने देखा उनका खुद का बिजनेस कैसे उन्होंने ग्रो किया है मधुमक्खी पालन में, आप भी आपका कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो कंक्लूजन ये है कि हम जब भी मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन का हमें स्टडी करना चाहिए, छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, इकट्ठा 50-100 पेटी ना ले, पहले 2-4-10 पेटी से शुरुआत करें, मधुमक्खी पालन करना सीखें, खुद से प्रैक्टिसेस करें। अगर हम ये कुछ नहीं करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है, तो पहले अच्छे से सीखें
फिर वो करें। और सबसे अहम मुझे ये मधुमक्खी पालन में क्या लगा कि मार्केटिंग, हमारा मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर मार्केटिंग अच्छा है तभी हम माल की जो बिक्री है वो अच्छे से कर पाएंगे शहद की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के वीडियो में तो हमने बहुत बहुत मस्त जानकारी ली, इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।